जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम जप की खास विधि क्या है? खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कु समाजू। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गो माता का नाम लेते हैं तो गाय का स्वरूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है, मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, यह खास विधि है। पातंजलि योग दर्शन में लिखा है, भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हों तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम आप इतनी अपनी शक्ति से नहीं कर सकोगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहें। ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें, यह जगह जगह बात आती है। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे। नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए नाम जप में। नाम जप भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं, तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या? जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे, तो क्या भजन किया? गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आवे। नाम जब भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख लें तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही, प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा? प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया, अगर वे प्रकट न करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता? इस वास्ते अपना भजन प्रकट न करें, किसी को पता ही ना होने दें कि यह भगवान का भजन करता है। बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं, भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहाँ से आया है, किसने दिया है, देने वाले का पता न लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले, गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा, सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम ना हो कि किसने सेवा की, वह तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, हम देते हैं।
भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह वाह लेनी है और कुछ नहीं है। भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर कैसे चीज पहुंच जाए, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त दिया जाए, तो उस दान का महात्म्य है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो, भगवान के नाम का जब भीतर ही भीतर हो। नाम जब भीतर से नहीं होता है तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। पहली बात कि भगवान के होकर भजन करें, दूसरी बात भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, तीसरी बात गुप्त रीति से करें, चौथी बात निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं तो रसोई बनावें तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटा भर बाद में शुरू करें, फिर थोड़ी देर बनावें, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगें। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी, लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं, रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दें, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाएं। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़फड़ाने लगती है, इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल गए, गजब हो गया, उसकी विस्मृति ना हो, लगातार उसकी स्मृति रहे। और प्रार्थना करें, हे भगवान मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, ऐसा कहता रहे और निरंतर नाम जप करता रहे। पांचवी बात, इसमें एक बात और खास है, कामना ना करें, अर्थात मैं माला फेरता हूँ मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूँ तो धन हो जाए, मेरा व्यापार में फायदा हो जाए, ऐसी कोई सी भी कामना ना करें। यह जो संसार की चीजों की कामना करना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हो। भगवान का नाम कहेंगे तो धन संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरा पोता हो जाए, अब पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या, और नहीं हो गया तो क्या? एक विष्ठा पैदा करने की मशीन पैदा हो गई तो क्या हो गया? नहीं हो जाए तो कौन सी कमी रह गई? वह भी मरेगा, तुम भी मरोगे, और क्या होगा? पर इनके लिए भगवान के नाम की बिक्री कर देना बहुत भारी भूल है। इस वास्ते ऐसी तुच्छ चीजों के लिए किसी असीम, जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री ना करें, सौदा ना करें और कामना ना करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाएं, यह मांगो। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं ही नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है, कि जाही न चाहिए कब हूँ कछु, तुम संग सहज स्नेहु, बस हूँ निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मांग हूँ हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो उनके कौन सी कमी रह गई? पर यह मांगना सकाम नहीं है। तीर्थ दान आदि के जितने पुण्य हैं, उन सब का एक फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगें, मीठे लगें, यह कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ,
प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया, हम तो निहाल हो गए। आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी, जो नाम मुख में आ गया, नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ, जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। वह नाम मिल गया हमारे को जिसे भगवान शंकर जपते हैं। कलयुगी तो हम जीव, और राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी, ऐसी सम्मति मिल गई हमारे को, भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिल गई, भगवान की चर्चा मिली, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई। ऐसा समझकर खूब आनंद मनावें, खूब खुशी मनावें, प्रसन्नता मनावें। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। छठी बात, जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान ने अभी मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम बाद में करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं मुझे। ऐसा मौका कहाँ पड़ा है, ऐसे लग जाओ तो बहुत ज्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुंचाने हनुमान जी गए, तो अंगद ने कहा कि बार बार रघुनायक ही सुरती कराये हूँ मोरी। याद कराते रहना हनुमान जी राम जी को। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय खूब मूल्यवान समझकर उस। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी।